मार्च के पहले ही दिन जनता पर महंगाई का बम फूटा है। जी हाँ, राजस्थान में करीब करीब 1,75,00,000 रसोई गैस के उपभोक्ताओं को होली के त्यौहार से पहले ही महंगाई का झटका लग गया है। तेल गैस कंपनियों ने आज से घरेलू और कमर्शियल उपयोग में लाने वाले रसोई गैस सिलेंडर्स के 50 रुपये से उसको बढ़ाया गया। साथ साथ कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर्स उसके दाम 350 रुपये महंगे हुए हैं। पिछले साल की रिपोर्ट देखें तो रसोई गैस सिलेंडर 203 रुपये तक महंगा हो गया है। वहीं लोगों को सब्सिडी भी मिलना पिछले 3 सालों से बंद है। तेल गैस कंपनियों के इस निर्णय से जहां आम उपभोक्ताओं के महंगाई की मार झेलनी पड़ी है, वहीं राज्य सरकार को भी अगले महीने से ज़्यादा आर्थिक भार होगा, क्योंकि राज्य को गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल से BPL और उज्ज्वला योजना कनेक्शन वालों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर्स देने की घोषणा की है। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई रेट लिस्ट में रसोई गैस सिलेंडर्स पर 50 रुपये और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे बढ़ोतरी के बाद आज से ही जयपुर में लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर वो 1,106.50 रुपये में मिलेगा, जबकि कॉमर्शियल गैस के लिए अब 2,138 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले 1 जनवरी को कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस के दामों में किया था इजाफा, 25.50 रुपये का इजाफा उस वक्त किया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर से भारी भरकम कॉमर्शियल जो सिलेंडर होता है उसमें किया गया है ये इजाफा रेट में। आपको बता दें जो घरेलू गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दबाव भार पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर रखा कि हम गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अब अगर 500 रुपये में सिलेंडर देंगे तो जाहिर तौर पर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कीमत बढ़ाई गई है उसमें भी उसका जो भार है वो भी राज्य सरकार के कंधों पर जाएगा। आज से नई दरें लागू हो जाएंगी, मतलब साफ है कि अगर आपने पहले भी बुक करा के रखा हुआ है गैस सिलेंडर तो आज जो आप रेट देंगे वो मौजूदा वक्त वाला रेट देंगे जो आज बढ़ा है। तो घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में हुआ इजाफा कितना वो हम आपको बता रहे हैं। होली से ठीक पहले एक बड़ा झटका महंगाई को लेकर, क्योंकि कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं। जाहिर तौर पर अब रेस्टोरेंट में खाना खाना भी महंगा होगा और रेडी पटरियों पर भी खाना खाना महंगा होगा। होली से पहले राजस्थान के 1,75,00,000 LPG उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। जब लोगों की सुबह सुबह नींद खुली तो ब्रेकिंग खबर थी कि घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये महंगा हो गया है। जुलाई 2022 में घरेलू सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया था और उसके बाद करीब 7 महीने बाद घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। वहीं जनवरी 2023 में कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था और अब फिर से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं 350 रुपये। यानी कि आज से उपभोक्ताओं को नई दरों से सिलेंडर की कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। यानी कि अब दाल का तड़का है, किचन का जो बजट है वो थोड़ा सा महंगा हो गया है और जेब भी थोड़ी सी ज़्यादा ढीली करनी होगी। जो घरेलू सिलेंडर है जो 1,056.50 रुपये में अब तक उपभोक्ताओं को मिलता था, अब वो 1,106.50 रुपये में घरेलू उपभोक्ताओं को, यानी कि 1,75,00,000 जो उपभोक्ता हैं उनको मिलेगा। और इसी तरीके से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है जो अब 2,138 रुपये में उपभोक्ताओं को मिलेगा। राजस्थान में तीनों तेल कंपनियां जो IOCL, BPCL और HPCL हैं उनके 1,75,48,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और गैस की कीमतों में इजाफा होने से सीधा असर इन उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अब तक, क्योंकि 2020 से सब्सिडी मिलना भी अघोषित तौर से बंद हो गई है, तो उपभोक्ताओं को पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि सब्सिडी का पैसा उपभोक्ताओं के खाते में नहीं आएगा। दूसरा यदि पहलू इस कीमत बढ़ी हुई कीमत का हम देखें कि गहलोत सरकार अप्रैल 2023 से जो कह सकते हैं कि उज्ज्वला गैस के जो उपभोक्ता धारी हैं और जो BPL कनेक्शन धारी हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि अब 1,106 रुपये में जो सिलेंडर मिलता है वो 1 अप्रैल से जो उज्ज्वला और BPL जो कनेक्शनधारी हैं उनको 500 रुपये में मिलेगा। तो ऐसे में राजस्थान सरकार पर करीब 606 रुपये प्रति सिलेंडर का भार भी आएगा। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।